अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक हैं। आप लोग भी अपने घरों में हैं, बरकत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी भी 11 बज रहा है, अभी मैं जा रही हूँ खाना पकाने के लिए। कर रहे गाइस, कद्दू बनाने हैं तो ये इसमें डाल देते हैं। ठीक है, मैंने दाल डाल दिया है, अभी इसमें कद्दू डाल दूँगी। इस तरह से मैं कुछ इसको दाल और कद्दू को मैं उबाल लूँगी। एक सीटी ये है हल्दी। वो इसमें अच्छा ठीक है, देखना। और ये है नमक, ये ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार। पानी डाल दूँगी, हल्दी मैंने हल्दी डाल दी और उसको एक सीटी ला दी। इसको गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस में इनको चॉप कर लूँगी। हमारी चॉपिंग भी तेज नहीं है, चॉप कर लिया है। अब ये टमाटर की चॉप करती है। मैं छू की छमार टमाटर का मर्डर हो गया। ये देखो इसे ब्लड आ गया। हाँ, ये पानी लाल लाल पानी है ना, इसके देखो कटने को तैयार ही नहीं है चाकू। इसमें नहीं दिख रहा, मैं कोथमीर चॉप कर ली थी, सब टमाटर ऑनियन सब चॉप करके रखा तो फिर वो इजी रहता है। और अब मिल्क कट कर लिए, बड़े सख्त है, मतलब वो हमें चाकू तेज नहीं है। और ये पत्ते भी वैसे ही है ना। हो गया हमारा फाइनली चॉपिंग। तो चलिए अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर। आज मैं चिकन बनाऊंगी कुछ इस तरह से, कम ऑयल में, बस टू डब्बूस। अरे ये चिकन बनाऊंगी, ओने नंबर लाल हो गया है, चिकन डालूंगी। आवाज़ करूँगी नमक नमक नमक, नमक डाल के शांत करते हैं, नमक डाल देती हूँ शांत। तो लगाया है चावल रखा है, तो टमाटर डाल दूंगी बंद कर। एक मिनट, मैं जो कद्दू और दाल उबाल कर रखा था तो उसको बनाऊंगी मैं। कोरिएंडर टमाटर सब गल चुका है, अब मैं इसमें ये छोटा सा बॉल दही ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। ये मैंने जो दाल उबाले थे ये आधा ही करना है, तो दाल थोड़ी अच्छी रहेगी तो अच्छी लगती, ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने कढ़ाई रख लहसुन अदरक और जीरा पेस्ट है, ये मसाले में डाल देती हूँ इसको। ये गया, ये मिर्ची थोड़ा ही डालूंगी, हल्का सा ये करेंगे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद दाल है ना, थोड़ा अखे अखे दाल है, अखे अखे दाल है, यम्मी अखे रहेगी दाल तो। हाँ वो अखा रहेगा पर दाल है। बिस्मिल्लाह,
दाल है, ये लग रहा है पर ये सॉफ्ट हो गया है, ये देखो गल गया है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी बहुत अच्छी मतलब लग रही है, आप लोग भी ट्राई करें। और ये कद्दू और दाल सब गल गया है, ऐसा दिख रहा है कि हम गला नहीं है। चलिए मैं लंच रही हूँ रहन और मैं आ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि मैं देख रही हूँ बाहर मतलब गैलरी में आ चुकी हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं आए, देखिए यहाँ पर कमर क्लाउड इतने प्यार दिख रहे हैं और ये हमारे क्लाउड्स भी है जी, पूरी बिल्डिंग के नज़ारे देखिए और ये हमारी प्लांट है, देख लिया तो सोचते हैं हम। और ये हमने यहाँ पर राइस सुखाने को रख दिया है तो चलते हैं, हमारे मेडिसिन है, डैडी को मेडिसिन देती हूँ फिर मिलती हूँ। डैडी का हम पाएंगे और दवाई देते हैं और वहाँ पर मम्मी रेडी, अब दवाई खा लो जल्दी से फिर खाना खा लो। और हमारी साइकिल पीछे खड़ी है, साइकिल ने कल ठीक किया था सैटरडे को, हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी बनने की। तो हम चलते हैं वीडियो सर, कुछ आलू का। तो गाइस हमारा सब्जी दाल सब बन गया है, मैंने सैलेड भी कट कर दिया है और ये चावल पकने पड़ते हैं, फिर मैं इनके डैडी को देती हूँ फिर आपसे मिलूंगी। तो ये काला नमक थोड़ा स्प्रॉट कर देना, हम गर्मी के सीजन में काकड़ी वगैरह कद्दू वगैरह अच्छे आते हैं। हाँ चाहिए गाइस, इस तरह से हमारा प्लेट लग गया है तो चलिए खाना खाते हैं फिर मिलेंगे खाना खाने के बाद। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हो चुका है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में तो पानी नहीं है और बर्तन सभी इतने सारे हो गए हैं, अभी धोना है, पानी आ जाएगा तो ये लोग खाना पीना खा करके सब इधर क्या खा रहे, गुड़ अल्लाह। और उसके बाद साहिल मिस्टी ऊपर चढ़ गई है, उसने प्लेन फेंका और प्लेन पर चढ़, ओए घड़ी गिर जाएगा मिस्टी, निकल जाओ निकल जाओ। हाँ ना खाने के बाद तुम लोग को मस्ती लगता है, क्योंकि हमारी मम्मी मस्ती खो रहे हैं। मैं मस्ती कैसे, ये देखिए प्लेन उड़ाऊंगा उड़ जाएगा और खाना खा के गुड़ कौन खाता है। देखो 5 बज रहे, हम 5 बज गया, रेस्ट करो ना, सो चुके थे। तो गाइस मैं कुछ ब्लॉग चलूंगी, तुम नहीं एंड करिएगा, क्या करिएगा, नहीं एंड करिएगा एंड मैं 5 बज गए हैं, लग रहा है कि कितना हो मतलब अभी 2-3 ही बज, 2 बज रहा है सर, इतना धूप है, धूप लग रहा है बहुत ज़्यादा, कपड़ा गिरने वाला है। बहुत धूप है तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ साहिल तो मुझे डरा रहा है, साहिल इधर आओ, साहिल इधर आओ जी, क्या तू मुझे डरा रहा है, उड़ा दूँ मैं नहीं। फिर घर पे खेलने की चाय में, अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये हमारा चाय रेडी है, अभी मैं चाय पीती हूँ। दिस इज वेरी हॉट, तो चाय गर्म ही रहता है। मम्मी किसने मिला लो? आप लोग भी चाय पियो, क्या मिला रही है, एक गुड़ क्यों मिला रही है, नहीं बताओ, ये तो ये मीठा होता है ना चाय में डालने से, मम्मी ठीक का चाय पी थी। तो गाइस मैंने रसमलाई बनाने के लिए मैंने दूध, ये 2 लीटर दूध का इतना सा है। तो गाइस मैंने लगड़ लगड़ के इस तरह से डो को सॉफ्ट कर लिया है, यहाँ से लगड़ना है, थोड़ा सा और लगड़ेंगे जब तक इसमें घी ना छूटे, तब तक लगड़ते रहो, तो इससे सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। ये
गया हमारे रसगुल्ले। मम्मी रस ये मैंने दूध उबाल लिया है, इस पर थोड़ा सा केसर डाला है तो इसलिए लाल हो गया है, और इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, फिर ये मेरे रसगुल्ले उसमें डाल दूंगी और ये रस मलाई बन जाएगा। रसगुल्ला बना रहे हो आप? तो दूध कुछ इस तरह से उबलना चाहिए, और इस पे अब मैं जो ये रसगुल्ले बनाई हूँ रस मलाई में डाल दूंगी। एक एक करके डालें, एक साथ ना डालें, और ऐसे उबलना चाहिए दूध। उसके बाद 15 मिनट ढक के पकाएं, कुछ मैं इस तरह से बना ली हूँ चपटे और गोल शेप में। तो मतलब ये जो ऊपर आ रहा है ना, समझो कि ऊपर जब उबल जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, तो सब पकाया इसको रख देंगे, और ढक्कन बीच में बिल्कुल ही खुला है, 15 मिनट के बाद खुला है। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमने रस मलाई भी बनाए थे तो बड़े मज़े के बने थे, तो आप लोग भी ट्राई करें। और बहुत मज़े के थे। मिस्टी तो चार चार खाई ना, मैंने पांच पांच खाए, चार की बात कर, तो एक और ले ली थी। अल्लाह इतना नहीं खाने का मिस्टी, एक वक्त में दो ही, एक या दो खाने के, इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो गाइस फिर ये मीठे मीठे रस मलाई के साथ ये ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, बाय बाय।